हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज हम मुंबई के बीचेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जुहू बीच के बारे में जानेंगे। जुहू बीच सांता क्रूज रेलवे स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पे है। हम जुहू बीच बाई बस और ट्रेन टैक्सी तीनों ही तरह से पहुंच सकते हैं। जुहू बीच पर हम फ्रेश एयर आनंद ले सकते हैं, जॉगिंग, साइकिलिंग, बीच स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। बीच के बारे में जो हम बताने वाले हैं वो है गिरगांव चौपाटी। ये मुंबई में मरीन ड्राइव से थोड़ी सी दूरी पर है। ये बीच गणेश विसर्जन के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ हम बहुत सी बीच एक्टिविटी, बीच स्पोर्ट्स और फ्रेश एयर का आनंद ले सकते हैं। ये बीच मुंबई के चरनी रोड रेलवे स्टेशन से और चर्च गेट रेलवे स्टेशन से नज़दीक पड़ता है। नेक्स्ट हम जिस बीच के बारे में जानेंगे वो है मड आइलैंड बीच। यह बीच 70s में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। इस बीच के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मलाड स्टेशन। यह बीच बहुत ही सुंदर बीच है। यहाँ भी हम सभी प्रकार की बीच एक्टिविटी कर सकते हैं। यह सबसे आइसोलेटेड बीच है, इसलिए इसकी अपनी ही सुंदरता है। नेक्स्ट हम जिस बीच के बारे में जानेंगे वो है मारवे बीच। मारवे बीच के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मलाड स्टेशन और यहाँ हम बेस्ट की बस के द्वारा पहुँच सकते हैं। इसके नज़दीक एसएल वर्ल्ड वाटर पार्क भी है। यहाँ हम बहुत सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और बीच एक्टिविटी, बीच स्पोर्ट्स और फ्रेश एयर का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस बीच के बारे में जानने वाले हैं वो मुंबई का वन ऑफ द फेमस बीच गोरई बीच है। इस बीच पर हम बोरीवली से वाया फेरी पहुँच सकते हैं। इस बीच पर भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बीच स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फ्रेश एयर का आनंद ले सकते हैं। इस बीच के नज़दीक घूमने के लिए हम वाटर किंगडम एसएल पार्क में घूम सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस बीच के बारे में बताने वाले हैं वो है अक्सा बीच। अक्सा बीच पर हम लार्ड स्टेशन से वाया बस और ऑटो रिक्शा पहुँच सकते हैं। इस बीच पर हम सनसेट का नज़ारा ले सकते हैं, फ्रेश एयर का आनंद ले सकते हैं। यह बीच मुंबई का बहुत ही सुंदर बीच है। नेक्स्ट हम जिस बीच के बारे में बताने वाले हैं वो है वर्सोवा बीच। वर्सोवा बीच को मुंबई का सबसे क्लीनेस्ट बीच कहा जाता है। इस बीच पर हम नियरेस्ट स्टेशन अंधेरी से वाया टैक्सी और बस पहुंच सकते हैं। यहां से हम सिद्धि विनायक मंदिर भी जा सकते हैं। यहां से हम फेरी का आनंद भी ले सकते हैं। यह बीच बहुत ही सुंदर और साफ है। यहाँ हम बहुत सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस बीच के बारे में बताने वाले हैं वो है दादर चौपाटी। दादर चौपाटी टूरिस्ट के द्वारा बहुत कम विजिट किया जाता है। यह बीच यहाँ के लोकल पर्सनल के द्वारा बहुत ज़्यादा विजिट किया जाता है और यहाँ यह बहुत ही मशहूर है। इस बीच का नाम दादर बीच इसकी लोकेलिटी के हिसाब से पड़ा है। नेक्स्ट हम जिस बीच के बारे में बताने वाले हैं वो है दमन बीच। दमन बीच मुंबई गुजरात बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ हम वाया वापी पहुँच सकते हैं। यह मुंबई से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मुंबई पर बहुत ज़्यादा कोकोनट ट्री हैं। यह बीच अपने आप में बहुत सुंदर है।